आप इधर ये देख सकते होंगे कि इन लोगों ने बीच का जो है डिवाइडर हटा दिया है, और ये देख लिए, और अपना यहाँ पर इन्होंने बैरिकेड्स भी लगा दिया है और ताकि कोई उधर ना पार कर सके। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दूर तक इन लोगों ने यही कर रखा है, और अब धीमे धीमे ये ट्रांसपोर्ट नगर तक आ चुके हैं काम करते करते, और अब बढ़ें आगे और देखते हैं अब और क्या है आगे और कितना वर्क कर रखा है। और अब का जितना दूर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, उतनी दूर उतना ही ये लोग काम और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बारह देवी चौराहे पे तो उन्होंने काफ़ी हद तक काम कर रखा है, और धीमे धीमे अब ये लोग इधर आ रहे हैं, काफ़ी हद तक इन लोगों ने काम रखा कर रखा है। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या काम है। तो इसी जगह से भाई मेट्रो जो है ऊपर की तरफ आएगी, एलिवेटेड ट्रैक की तरफ, और ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने इतना काम कर रखा है, इसको थोड़ा पक्का कर दिया है। तो अभी इधर का काम थोड़ा धीमे चल रहा है, और अभी आगे का जो काम है उधर बारह देवी साइड से इधर तक का अनुपम टॉकीज तक का, तो वहाँ पर काम पे लगे हुए हैं। और ये देखिए ये जो आखिरी एलिवेटेड ट्रैक है, यहीं से ट्रेन जो है पहला ट्रैक अपना चढ़ेगी, और अब बढ़ते हैं आगे। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, देखो अभी भाई कितने दिनों में काम पूरा होता है यहाँ का, और जिस दिन भाई काम हो जाएगा पूरा, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी, उस दिन मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं मेट्रो की टिकट जो वीडियो है वो भी आप लोगों को पूरी दिखाऊंगा, नौबस्ता बाईपास के आगे जो गल्ला मंडी है वहाँ से लेकर के आपका आईआईटी तक का पूरा जो मेट्रो की जो है वो आपको दिखाऊंगा, और जो चलने लगेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ का लुक ही बिल्कुल जो है एकदम चेंज हो जाएगा, और ये देखिए खंबे काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या है काम। तो भाई कुछ ही दूर पर हम आगे चले थे, और मैंने आगे देखा कि जहाँ जहाँ इन लोगों ने अपने वो पिलर बना रखे हैं वहाँ की जो मिट्टी है उसको हटा करके एकदम पक्की रोड कर दी है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा धूल ना उड़े। और ये जो आप ये पिलर देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका है, और जैसा कि आपने देखा, और ये जहाँ जहाँ इन्होंने पिलर का काम अपना पूरा कर लिया है वहाँ से बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं, और जहाँ जहाँ आपके पिलर ये बन गए हैं वहाँ पर नीचे नीचे इन लोगों ने पक्का कर दिया है, यानी कि डांबर वाली रोड कर दी गई है, और कहीं कहीं अभी छूटा है वो भी धीमे से ये लोग पूरा कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम पास आ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी रहे और ज़्यादा जाम ना लगे। और ऊपर देखिए अभी ये पिलर्स का कुछ काम चल रहा है यहाँ पर, तभी ऊपर पिलर्स में ये बाउंड्री लगाई गई है जो लोहे की, आप इस सरिया क्या नाम है ये खंभे देख रहे हैं लोहे वाले, तो ये देखिए कुछ एक इस खंभे में लगा हुआ है, एक आगे खंभे में लगा हुआ है, और अभी ये आप जो स्ट्रक्चर आगे देख रहे हैं जिसके ऊपर ये टी गर्डर्स नहीं रखा गया है उसमें अभी रखने की तैयारी चल रही है, और अभी आगे सिर्फ पिलर का ढांचा ही बन के तैयार हुआ है जो सरिया है, अभी इसमें कंक्रीट लगना बाकी है। तो भाई अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं चल के कि आगे कितना वर्क और हो रखा है। तो चलते हैं अब आगे। तो आप यहाँ देख सकते होगे कि यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है ताकि वो बैलेंस बना रहे, और जब वो टी गर्डर्स रखा जाए तो वो नीचे ना गिर पाए और लोगों को चोट ना लगे, तो वो पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर काम होता है। तो अब ये देखिए आगे कितना और आगे यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा काम इन लोग का,
लेकिन थोड़ा धीमे काम चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, काम तो है, लेकिन चलिए देखें आगे जो क्या होगा। आप यहाँ पर कुछ देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है क्रेन, और वो कुछ मसाला अंदर होल में डाल रही है। और अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि यहाँ पर वो मशीन कैसे वर्क करती है और किस हिसाब से काम करती है। तो अभी आप चलते हैं, आपको दिखाने की वर्कर जो है वो मशीन कैसे चलाते हैं, और देखते हैं आगे और दिखाते हैं मशीन कितनी बड़ी है और कैसे क्या काम करती है। थोड़ा ही हल्की सी आपको झलक दिखा पाएंगे, क्योंकि ये लोग मना बहुत करते हैं कि ऐसे मत करो, वीडियो मत बनाओ, मेरे हम लोगों के रूल के खिलाफ है। तो भाई चलते हैं वीडियो दिखाने के अंदर और दिखाते हैं कैसे ये वीडियो जो क्रेन काम कर रही है अपना वीडियो में, वो हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं। तो आप ये देख ही सकते होंगे जो उसका ये हत्था जिससे काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो कितना लंबा है और एकदम हाथी की सूंड ऐसा है। और ये आगे जा करके वो मसाला अंदर पिलर के अंदर कुछ बगल में छोड़ रहा है, और ताकि पिलर थोड़ा अंदर से मजबूत हो जाए। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से कैसे मसाला बनता है और कैसे उसके अंदर जाता है। और पिलर ये देखिए कुछ ऐसे मसाला इसके अंदर से बन रहा, देखिए ट्रक में से जा रहा है इसके अंदर मशीन के अंदर। और ये जो ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है गाड़ी छत पे, वो उससे मसाला जो है अंदर पहुंचा रहा है। तो भैया ये वीडियो यहीं तक थी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।